नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर आपका पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज इसके टेस्ट लेने वाला हूँ और बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो टेस्ट को बड़े ही ईमानदार तरीके से प्रत्येक दोस्त को कमेंट करने हैं क्वेश्चंस के, सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और सबके कमेंट्स अगर सही हैं आंसर तो उनको मैं जवाब भी देता हूँ, ठीक है। तो आपको कमेंट्स करने हैं प्रत्येक क्वेश्चन के, ठीक है, अच्छे से ईमानदार से टेस्ट देना। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ मैंने क्वेश्चन क्रिएट किए हैं तो आपको ज़रूर इनसे बेनिफिट मिलेगा। तो टेस्ट को ज़रूर देखिएगा और टेस्ट को पूरा यानी पूरा एक एक चीज़ आपको सॉल्यूशन करना है इनका, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन टेस्ट है ये। पहला क्वेश्चन देखना, एफ एक्स बराबर आपको दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस का 3x प्लस का 9, एक्स लेस देन इक्वल 1, बी एक्स प्लस का 2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1, एक्स बराबर वन पर अवकलनीय है। अवकलनीय, वीडियो को पॉज कर लेना और फिर इसके जवाब देना, ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, ऑप्शन है 3.5, दूसरा ऑप्शन है 5.3, पाँच आइए, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा है कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो, फलन एफ एक्स बराबर ई की पावर माइनस 1/x स्क्वेयर, एक्स बराबर नोट 0 बिंदु और एक है 0, एक्स बराबर 0 पर बिंदु, एक्स बराबर 0 पर आपके ऑप्शन है एस सतत, दूसरा है सतत किंतु अवकलनीय, सतत किंतु अवकलनीय, अवकलनीय नहीं, ठीक है। चौथा, तीसरा ऑप्शन अवकलनीय और चौथा कोई नहीं, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को लिखो फिर आगे लिखवाता हूँ, तो साथ साथ में इनके जवाब साथ साथ में ही दे दिया करो इनके, वीडियो को पॉज कर लिया करो और साथ साथ में इनके जवाब भी दे दिया करो। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, ऑफर अभी चल रहा है, सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना, फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे। तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, 10% डिस्काउंट यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, और भी यहां पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के, समय समय पर यहां पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये कोड यूज करना, कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। क्वेश्चन 3 दिया है, बिंदु x बराबर 2 पर एफ एक्स बराबर आपको दिया है x माइनस 1 प्लस का x माइनस 3,
का अवकलज, इसका अवकलज भूसा है, का अवकलज आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, माइनस का दो, दूसरा ऑप्शन है दो, तीसरा है जीरो और चौथा कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, चार नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर आपको दिया है, बराबर है ये एक्स की पावर के, एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो है कब, जब एक्स बराबर जीरो हो, एक्स की पावर के कब है, जब एक्स लेस देन जीरो हो, जहां के पूर्णांक हो, तो जहां के पूर्णांक हो तो एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है, एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है यदि आपके ऑप्शन दिए हैं, नंबर एक कि के बराबर जीरो हो, दूसरा ऑप्शन है के बराबर वन, तीसरा ऑप्शन है के बराबर माइनस वन, चौथा है कोई नहीं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, लिख लो इसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच, ये देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपको दिया है, मापांक एक्स अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, किस पर नहीं है ये आपको बताना है, तो आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, नंबर एक एक्स बराबर जीरो पर, दूसरा ऑप्शन है एक्स बराबर एक पर, तीसरा ऑप्शन है एक्स बराबर माइनस एक पर, चौथा है सभी बिंदुओं पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर छः, क्वेश्चन नंबर छः, क्वेश्चन नंबर छः है फलन एफ एक्स बराबर, ये भी आपको मैंने कहा था याद रखना है अवकलनीय, पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो जाता है ऐसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी आपके ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार, नंबर एक प्रत्येक पूर्णांक पर, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रत्येक परिमेय संख्या पर, तीसरा ऑप्शन है मूल बिंदु पर, चौथा ऑप्शन है सर्वत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सातवां क्वेश्चन, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं मैंने आपके लिए। क्वेश्चन नंबर सात, दिया है आपको कि एफ एक्स बराबर मैक्सिमम एक्स कोमा एक्स क्यूब, तब एफ एक्स किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, तब एफ एक्स किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन कुछ नहीं है इसके। क्वेश्चन नंबर आठ, आठ नंबर क्वेश्चन है आपका, आठ नंबर क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन
कब, जब x लेस देन 2 हो। दूसरा है 2x-1 जब x ग्रेटर देन इक्वल 2 हो, ठीक है, तब आपको f डैश 2 की वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, नंबर एक एक आएगी, दूसरा ऑप्शन है दो आएगी, तीसरा जीरो, चौथा है विद्यमान नहीं, विद्यमान नहीं। तो इनके आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ के बारे में हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नौ दिया है, फलन एफ एक्स बराबर मपांक एक्स माइनस वन का मपांक बिलोंग टू एक्स बिलोंग टू आर, एवरी फॉर ऑल बिलोंग टू, किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार, नंबर एक एक पर, दूसरा ऑप्शन है प्लस माइनस एक पर, तीसरा ऑप्शन है जीरो प्लस माइनस एक पर, चौथा ऑप्शन है माइनस एक पर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस, एफ एक्स बराबर एक्स टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, एक्स बराबर नोट जीरो और जीरो है एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स बताना है। नंबर एक सतत किंतु अवकलनीय नहीं, ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है प्रथम प्रकार का ऐसा देते हैं, दूसरा है द्वितीय प्रकार, तीसरा ऑप्शन द्वितीय प्रकार का और चौथा कोई नहीं। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं और बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए हमने तैयार किए हैं। उम्मीद है आपको भी अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, अच्छे से तैयारी करना, इनके कमेंट करना प्रत्येक के, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।